Hello bachon, let's read the question. The question says two bodies have their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, their angular momentum will be in the ratio. तो यहाँ हमें angular momentum का ratio calculate करना है. जब हमें moment of inertia दो bodies का given है I and 2I and बोला गया है कि kinetic energies उन दोनों bodies की same है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय टू आई. काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने के ई लिखा है, एल हमने डिनोट किया है एंगुलर मोमेंटम के लिए और आई डिनोट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. अब हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की अगर सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे एल वन स्क्वायर बाय टू आई वन इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर बाय टू आई टू. तो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब अगर हमें L1 और L2 का रेशियो चाहिए तो हम लिखेंगे इसे I1 बाय I2 का अंडर रूट. अब I1 हमें I गिवन है और I2 हमें 2I गिवन है, सो अंडर रूट ऑफ इट. तो L1, तो यहां से जो हमारा L1 बाय L2 आया वो आया हमारा 1 बाय रूट 2. तो इनका रेशियो आ गया 1:2√2. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, 1:2√2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.